इंदौर में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग का कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों के साथ हुई मारपीट का विरोध, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, डीआईजी को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों के साथ हुई घटना का किया विरोध। मंगलवार को कवरेज करने के दौरान पत्रकारों के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आप कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर नारेबाजी कर घटना पर विरोध जताया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पुलिस को सम्मति दे भगवा जाना पुलिस को सम्मति दे भगवा। आप कार्यकर्ताओं ने यहां भजन भी गाए, साथ ही मांग की कि घटना के दोषियों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे और मामले में फरार लोगों को जल्द गिरफ्तार भी करे। कल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो हमला हुआ उसके आम आदमी पार्टी निंदा करती है और आम आदमी पार्टी प्रशासन से मांग करती है कि पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। पत्रकार जब निर्भीकता से और साहसिकता से कवरेज करने जाते हैं तो उन्हें कोऑर्डिनेट करे, उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें गुंडे लोगों से बचाए। तो आम आदमी पार्टी इस तरह की प्रशासन से निवेदन करती है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही ये निवेदन करती है कि जिस तरह आपने पटाखे व्यवसायियों को शहर से बाहर किया, ऐसे ज्वलनशील गोडाउनों को शहर से बाहर किया जाए जिससे पेटलावत जैसी पुनरावृत्ति इंदौर शहर में ना पाए और जो मेट्रो की ओर बढ़ रहा है उस शहर को सुरक्षा प्रदान की जाए। आप कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों को सुरक्षा देने की भी मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।